उत्पाद मुद्दों की होती है। कांग्रेस तो हमेशा सड़क पे रही है लेकिन दिखाने वाले दिखाते नहीं है, और जिस तरह से इनकी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रही है उसका के उसका तो खैर अंत ही समय ही करेगा उसका अंत। लेकिन आज परिस्थितियां आपके सामने सारी नजर आ रही हैं। अगर आज हम अग्निपथ की सिर्फ बात करें, क्या अग्निपथ को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या इनको विचार विमर्श अच्छे तरीके से नहीं कर लेना चाहिए था? युवा पीढ़ी को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने उनके साथ एक भद्दा मजाक करने की कोशिश क्यों की? आप ही के नेता विजय वर्गीस कहते हैं कि मैं बीजेपी ऑफिस के बाद उनको चौकीदार की नौकरी दे दूंगा। मतलब एक फौजी और चौकीदार को उन्होंने बराबर कर दिया कि आपका भविष्य ये लिखा हुआ है। उस भविष्य को लेके अगर युवा पीढ़ी सड़कों पे उतरी हुई है तो कांग्रेस की स्थिति को हम इवेल्युएट करें कि भाई वो 24 के लिए इसके लिए लड़ रही है। पूरे देश का युवा आज सड़कों के ऊपर है और अपनी बात कह रहा है। आप देखिए 87 लाख जॉब्स खाली पड़ी हैं और 87 लाख जॉब्स खाली होने के बाद उसको आप भरते नहीं हैं। आपने क्या निर्णय लिए थे जब आप 2014 में आए? हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे जो 16 करोड़ बनती है। 16 करोड़ का भी अगर 10% लगाए तो 1 करोड़ 60 लाख बनता है। आज आपने 10 लाख नौकरियां इंट्रोड्यूस की कि जिसको हम 1.5 साल के अंदर आपको पूर्ण करेंगे, और वो 10 लाख नौकरियां 1% भी नहीं बनती हैं। आप ऊंट के मुंह में जीरे की बात करते हैं और उसका प्रचार ऐसे करते हैं जैसे इवेंट कंपनी बाहर शोर मचाती है और अंदर नाच गाना चालू है। और आपके नेता कैसी कैसी भाषा बोलते हैं कि हम इनको ड्राइवर रख लेंगे, हम इनको नौकर रख लेंगे। क्या आप फौज में आदमी पैसे के लिए नहीं जाता, त्याग की भावना से जाता है और उसके उसके लिए प्राइड होता है कि मैं फौज में भर्ती हो गया। आपने पीछे देखा होगा एक वीडियो रिलीज हुआ, एक बच्चा अपना मैकडॉनल्ड में काम करता है और रात को 10 बजे उसकी छुट्टी होती है और 10 किलोमीटर घर दौड़ लगा के जाता है कि मुझे फौज में भर्ती होना है। उसके भविष्य पे ऊपर आपने क्या कुठाराघात कर दिया? परिस्थितियां आज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। मैं अगर पीछे से चलता हूं तो आपने जब नोटबंदी की तो उसके अंदर कितने अमेंडमेंट किए, आपने जब GST लाए तो उसके अंदर कितने अमेंडमेंट किए, आप उसके बाद कानून लाते हैं, फार्मर्स बिल लाते हैं, आपने 700 से 750 जाने ले ली और एक साल बाद उसको वापस ले लिया। आप अग्निपथ लाते हैं, 3 दिन के अंदर ही 6 अमेंडमेंट हो गए। मतलब आपको पता ही नहीं है करना क्या है। इधर शोर मच रहा है तो इधर कुछ कर दो, इधर शोर मच रहा है तो उधर कुछ कर दो। तो ये परिस्थितियां जो इस देश के साथ आज हो रही हैं, इनको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करना होगा। समय तो अपने आप ही बताएगा, कोई पट्टा लिखवा के नहीं आया। इनको गलत फहमी है। आज आर्थिक दृष्टि से हम इतने कमजोर हो चुके हैं अंदर से कि जिसके कारण इनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, इसलिए ये जॉब्स नहीं दे रहे हैं। नहीं तो नौकरियां देना क्या बुराई बात थी? 10 साल के अंदर इसी फौज के अंदर जहां वे बात करते हैं 6 लाख नौकरियां जाएंगी। आप देख क्या रहे हैं, अभी भी आप 40,000 नौकरियों की 46,000 नौकरियों की बात करते हो और उसके अंदर 25% रखने की बात करते हो, 75% को बात करते हो कि हम अपने ऑफिस के बाहर दरबारी लगा लेंगे और चौकीदार लगा लेंगे। इसको मुझे तो लगता है ये RSS की फौज इकट्ठी करने की बात हो रही है, जिनके हाथ में पहले लठ था आज बंदूक देके उनको अपने RSS की फौज के अंदर शामिल करना चाहते हैं। और कुछ नहीं है, इस देश को समझना पड़ेगा, इनकी मंशा को समझना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं। आज युवा पीढ़ी इनको किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेगी और अब समय इनका आ चुका है। आप 24 की बात कर रहे हैं, 24 तक भी पहुंच पाएंगे उसकी भी मेरे को शंका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।